Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome back to your own learning platform which is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Bhav welcome you back to your own learning platform. इंजीनियर्स आज इस पर्टिकुलर साइड में जो कि बेसमेंट में अभी हम खड़े हैं, यहाँ हम जानेंगे कि वाटर लेवल पाइप से आप कैसे लेवल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बेसिकली तब काम आता है जब आप इंडोर में कहीं वर्क कर रहे हो जहाँ ऑटो लेवल को आप ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, उस केस में ये जो ऑटो लेवल पाइप है वही आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको यूज़ में लेने से पहले जान लेते हैं कि जनरल कंडीशन इसको यूज़ में लेने से पहले, सबसे पहले तो इंजीनियर इसका जो लेवल है, आप पानी जो भर रहे हो इसमें, वाटर जो इनपुट ले रहे हो वो हमेशा लेवल होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो इनमें दोनों ही लेवल इक्वल है, इट मींस इसमें कोई एयर नहीं है। सेकंड, इसमें आप पैर नहीं रख सकते, पैर रखोगे तब भी बबल का जनरेशन होगा। और इंजीनियर्स इस पर अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो यहाँ से थंब से इसे क्लॉक कर दो ताकि ये क्या हो, पानी जो आपने भरा है वो बाहर नहीं जाए। और जब भी आप इसे यूज़ में लेने वाले हो तब अपने थंब को वापस रिलीज़ कर दो। क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इसमें जो लेवल है वो चेंज हो जाता है। आप सभी को पता है कि वाटर की टेंडेंसी होती है हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ मूव करने की, तो उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम यहाँ पर लेवल ट्रांसफ़र करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये मेरा फर्स्ट राइजर है जिसे मैंने माना है 150 mm की हाइट है, तो यहाँ से मैं 6 स्टेप अगर काउंट करता हूँ तो ये 900 mm के आसपास यहाँ आ रहा है, तो इसी को मैं अपना फर्स्ट रेफरेंस लेवल ले लूँगा। यहाँ से अगर काउंट करते हैं 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, तो यहाँ मेरा 900 mm आ रहा है, तो इसी को मैं रेफरेंस लूँगा। इसी रेफरेंस के बेसिस पे सारी जगह मैं लेवल को ट्रांसफ़र करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हो बेसमेंट में अभी फ्लोरिंग का वर्क हुआ नहीं, तो फ्लोरिंग बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली बात है कि पहले इसमें मोर्टार बिछेगा, मोर्टार बिछने के लिए उसका कुछ लेवल होना चाहिए, वो लेवल को ट्रांसफ़र करने के लिए ये रेफरेंस हमें काम में लेना होगा। तो इंजीनियर्स इसी लेवल को अब ट्रांसफ़र करेंगे। मैं चाहता हूँ कोई इंजीनियर्स मेरे पास आए अभी, किशोर ये होल्ड कीजिए, उस साइड कहीं चले जाइए, आप कहीं भी एक स्टेशनरी पॉइंट रख दीजिए इसी कॉलम पे खड़े होकर स्टेशनरी हो जाए। अभी हटा दीजिए, कोई इशू नहीं, रहने दो। इसी को यहाँ से पकड़ के एक सेकंड, इनके नोटबुक आप ले लीजिए किशोर, यहाँ आपको बस स्टेशनरी रहना है, ठीक है? दोनों हाथों से ये जो लेवल है आपको विजिबल होना चाहिए ये वाला, ठीक है? अब मैं वहाँ मार्क करूँगा, आपको हिलना नहीं है, मैं ही ऊपर नीचे अप डाउन करता रहूँगा जिससे क्या लेवल क्या डिसाइड हो जाएगा। यहाँ अगर 900 mm है तो वहाँ भी 900 mm अभी ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर? स्टेप गिन लेते हैं, 6 स्टेप्स यहाँ से होने चाहिए। लेट मी काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 स्टेप्स हैं। और यहाँ आप देख रहे हो मैं लेवल को यहाँ पर क्या सेट आउट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरा पास में लाइएगा सर। तो यहाँ इंजीनियर साहब देख सकते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर लेवल जो कि 900 mm है उसे सेट आउट कर लिया है। किशोर वहाँ से मूव हो रहा है क्या? लेवल मूव हो रहा है, स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया। तो वहाँ एक मार्क कर दो, वहाँ सर एक बार दिखाइए उनको, स्टेशनरी हो गया है तो वहाँ मार्क कर दीजिए। नवीन एक बार मार्क कर देना, मार्क हो गया। ओके इंजीनियर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 6 स्टेप्स को काउंट किया है, एक स्टेप की जो हाइट है जिसे राइजर अपन ने कंसीडर किया 150 mm, तो 900 mm बाय डिफॉल्ट यहाँ कंसीडर किया अपन ने, उसी 900 mm को हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया है। अब बाय डिफॉल्ट अगर मेरी फ्लोरिंग नीचे से 100 mm हाइट पर है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 900 mm की टेप को खोलूँगा और कहाँ तक जाऊँगा, नीचे 800 mm तक, जिससे क्या रहेगा 100 mm का स्पेस मुझे मिल जाएगा। तो यही इंजीनियर्स हम सारे कॉलम पे करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, एक लेवल मिल जाएगा कि इसी प्रोफाइल के अंदर हमें क्या करनी है, फ्लोरिंग का वर्क करना है। आई होप अभी जो ट्रेनिंग से ये परफॉर्म करेंगे तो वी विल शो यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई होप इंजीनियर्स यू गॉट द टेक्निकल मेथड दैट हाउ टू एक्चुअली ट्रांसफर लेवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।